गरमाने लगा है। शुक्रवार को रेवाड़ी मदार फ्रेट कैरियर के वर्चुअल लोकार्पण के दरमियान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद रहे। इस दौरान गहलोत ने मोदी से राजस्थान में वर्षों से अधूरी पड़ी करीब 6 रेल पटरियों पर परियोजना शुरू करने की जोरदार मांग रखी है। गहलोत के इस कदम को लेकर मेरठ सहित आसपास के लोगों में भी इस रेल लाइन को जल्द शुरू किए जाने की उम्मीद फिर से परवान चढ़ी है। गौरतलब रहे कि आजादी से लेकर आज तक बहुप्रतीक्षित इस रेलवे लाइन को लेकर पूर्व को पश्चिम से जोड़ने का सपना अधूरा ही पड़ा है, जिसका व्यापारिक ही नहीं बल्कि सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। गहलोत के इस कदम से मेरठ सहित अन्य इलाके के लोगों में ये विश्वास हो चला है कि राज्य सरकार जल्द ही इस रेल लाइन में आने वाले अधिग्रही जमीनों का कोई माकूल रास्ता निकालेगी। यहाँ से गौरतलब है कि पूरा व सांसद गोपाल सिंह शेखावत के कार्यकाल में इस परियोजना को पंख लगे थे, मगर पुष्कर आकर ये रेल लाइन अटक गई जो आज तक बरकरार है। जबकि मौजूदा में लंबे समय से पहले सीआर चौधरी और बाद में मौजूदा राजसमंद सांसद प्रिंसेस दिया कुमारी ने भी इस परियोजना को लेकर जोर शोर से मुद्दा उठाया, मगर नतीजा वही ढाक के तीन पात वाला रहा। मगर मौजूदा में मुख्यमंत्री गहलोत द्वारा हाल ही में ली गई दिलचस्पी के बाद फिर से क्षेत्रीय जनता की उम्मीदों को मजबूती मिली है कि जल्द ही इलाके के लोगों को रेल लाइन की ये सौगात मिलेगी। पूर्व विधायक रामचंद्र जारोड़ा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से सकारात्मक होकर इस प्रतिपक्ष जन उपयोगी मांग को पूरा करने की जरूरत बताई है, ताकि मेरठ को अन्य पर्यटन सर्किट से जोड़कर व्यापारिक फायदा जल्द मिल सके। वही मेरठ सिटी क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता तेजाराम लाडनवा ने भी इस रेल परियोजना के शुरू होने की कवायदों पर खुशी जाहिर की, साथ ही जल्द से जल्द मेरठ पुष्कर रेल योजना को शुरू करने की मांग की, ताकि वर्षों से रेल की सिटी सुनने को ललायत क्षेत्रवासियों को ये अधूरी सौगात समय पर मिल सके। लंबे समय से अधूरी पड़ी मेरठ पुष्कर रेल परियोजना को लेकर क्षेत्रवासियों में एक बार फिर से उम्मीद जगी है। इस बार ये उम्मीद कल रेवाड़ी मदार खंड कॉरिडोर के वर्चुअल लोकार्पण में प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में जिस तरह अशोक जी गहलोत बैठे और सीएम ने राजस्थान की करीब 6 अधूरी रेल परियोजनाओं को लेकर अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षण कराया, और इसमें बहु उद्देश्य ये मल्टीपर्पज ले तो मेरठ रेल परियोजना के का भी नाम शामिल था। मेरठ पुष्कर रेल परियोजना जो बरसों से अधूरी पड़ी है और ये काम हर बार अटक जाता है, इस बार जब लोगों को ये उम्मीद लगी है कि राज्य सरकार जल्द ही इस बारे में भूमि अधिग्रहण और अन्य केंद्र सरकार द्वारा मांगी गई रेलवे को दी गई सभी जरूरी संसाधन मुहैया कराएगा, और इसी के साथ क्षेत्रवासियों में भी एक बार फिर से मेरठ पुष्कर रेल लाइन को लेकर उत्साह है देखा जा रहा। खासकर मेरठ पुष्कर इस रेल परियोजना के जुड़ने से पूर्व का जो भाग है वो पूरा पश्चिमी राजस्थान से जुड़ जाएगा, जो सामरिक दृष्टि के साथ साथ व्यावसायिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण गिना जा रहा है। ऐसे में देखना यह है कि अधूरी पड़ी ये रेल परियोजना